हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। तो बहुत दिनों बाद में आज जो है एक नई वीडियो आपके साथ में मैं लेके आया हूँ। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पंच का एकम्प्लिश्ड वेरिएंट है, ठीक, और ऑटोमेटिक में है, ठीक, और बीएस सीरीज़ है। खैर, बीएस सीरीज़ की जो जानकारी है कि कैसे लेना है और क्या सारी चीज़ें हैं, वो आपको उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको जो है बीएस सीरीज़ जो कोई लेना चाह रहा है और जो भी उसका प्रोसेस होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे किन किन को मिल सकती है, किन किन को नहीं मिल सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दूसरी वीडियो जो होगी इसकी। लेकिन जो है आज इस वीडियो में हम जो है इसका ओनरशिप लेंगे ज्ञानेन भैया से। ज्ञानेन भैया की गाड़ी है ये, कह सकते हैं आर्मी में है, तो जो है इसलिए इन्होंने ली है। और पंच क्यों ली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इसके बारे में जानने के लिए, इसके ऑटोमेटिक के बारे में जानने के लिए। और जो को बात करें तो नेक्सॉन लेने जा रहे थे तो इस पर कैसे शिफ्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे आज। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ज्ञानेन भैया, आप ये बताइए कि इसको लेने का प्लान कब से बन रहा था? अच्छा, इसका प्लान पिछले साल अगस्त में बनाया था लेने का। हाँ, नेक्सॉन बुक की थी उस समय। अच्छा अच्छा, लेकिन उस समय हमको उन्होंने दीपावली पे डिलीवरी करना था तो किया नहीं इन्होंने डिलीवरी, तब तक ये पंच आ चुकी थी। मैंने इसको देखा है पहली बार में, पसंद आ गई तो मैंने फिर इसको बुक किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमको दिसंबर में मिल गई थी। दिसंबर में मिल गई थी। तो जो बी एस सीरीज़ पड़ा, तो ये बी एस सीरीज़ में थोड़ा प्राइस एक तरीके से कह सकते हैं जिससे मैं लेते हैं उस समय थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, वैसे मुकाबले तो ऑन रोड ये कितनी पड़ी? ऑन रोड ये मुझे 8 लाख और 89 समथिंग पड़ेगी। 889। और एसेसरीज आपने कंपनी से लगवाई थी कि बाहर? एसेसरीज मैंने सब बाहर लगवाई, बाहर लगवाई, क्योंकि उस समय एसेसरीज अवेलेबल नहीं थी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो एसेसरीज क्या क्या लगवाई, जैसे ये क्रोम लगवाया, रूफ रेल्स लगवा लिया, रूफ रेल्स। अच्छा, कंपनी की है तो बाहर की है, मतलब बाहर की है, बाकी यहाँ पे क्रोम, इस जगह क्रोम। तो ये इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी लगभग? इसकी कॉस्टिंग करीब 6000 करीब। 6000 जितना क्रोम वर्क है ये सबका? क्रोम वर्क, रूफ। अच्छा, और जो अंदर कवर लगवाए हैं तो जो है कवर जो है अंदर के इंटीरियर के हिसाब से लगवाए हैं तो थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, रेड इंसर्ट्स हैं, बाकी जो है तो वो चीज़ अच्छी लग रही है। और तो कवर कितने के लगे थे? कवर हमने 11000 रुपए के लगाए। अच्छा, 11000 के, मतलब फुल कंफर्टेबल वाले हैं ये, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं, क्योंकि बाहर जो है आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ जाती है। बाकी आप पीछे जो है बूट हम दिखा दें, इसका बूट नहीं पड़ा, इसका खुल गया, ये जो है इसका क्या उड़ गया। अच्छा, ये वो विंड वाले हैं, ये भी सही है, फिल्म तो लगवा नहीं सकते, अभी यही लगाओ, यही ले घूमना पड़ेगा। खैर, बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, सेम एज लाइक एल्ट्रॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। 365 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा बूट स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी टाटा का लोगो, पंच की बैजिंग, कैमरा, इन सारी चीज़ों की बातें हम अंदर चल के करेंगे, क्या चीज़ें हैं। और अंदर से आप देख लो तो ये जो है आपकी अंदर से ऐसा इंटीरियर आपको मिल जाता है, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, तो वो चीज़ अच्छी है। बाकी ऑटोमेटिक के बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक इसका उतना शानदार नहीं है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। तो ये बताइए, ऑटोमेटिक लेने का प्लान कैसे बना? ऑटोमेटिक क्योंकि हमको सिटी में ही ज़्यादा चलाना है और ट्रैफिक कंडीशन ये सब रहता है, और हमने पहले ऑटोमेटिक ही चलाया हुआ है। इस वजह से हम ऑटोमेटिक पे ही गए। अच्छा, ऑटोमेटिक पे ही गए। तो इसका ऑटोमेटिक कैसा लगा, मतलब परफॉर्मेंस कैसी ऑटोमेटिक में, क्योंकि मैनुअल मैंने चलाया है, तो मैनुअल तो अच्छा। इसका ऑटोमेटिक में थोड़ा सा बस वही कंडीशन है, थोड़ा गियर चेंजिंग में अपना पता चलता है। और एकदम से पिकअप नहीं ले पाती है गाड़ी। अच्छा, क्रॉसिंग वॉसिंग में तो बाकी, और तो नॉर्मल चलाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अच्छा, तो एवरेज अभी कितना निकाल रहे हैं आप इससे? एवरेज ऑन हाईवे तो ये 15 का दे रही है, फर्स्ट सर्विस हुई थी उसके बाद, और बाकी अभी लोकल में तो इतना ज़्यादा दे नहीं रही है। अच्छा, लोकल में तो क्या ही मिल जाएगा, ट्रैफिक लोकल में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, इतना है तो कोई मतलब नहीं है, अपने रास्ते भी वैसे हैं। रास्ते तो, रास्तों की बात आती है, तो जैसे आप बांगरमऊ से अभी आए थे, तो बांगरमऊ का रास्ता कैसा है? ठीक है, अब ठीक हो गया ना? अभी ठीक है, पहले से, बाकी पहले तो बहुत ही गड्ढे थे, गड्ढों में रोड, बीच बीच में कहीं रोड बन रही है तो उसकी वजह से है, बाकी तो बाकी अच्छे। तो टोटल कितनी चला दी अब तक लगभग? टोटल करीब, अभी मेरा ज्यादा नहीं, 1500-1600 होगा करीब। 1600-1670 किलोमीटर जो है अब तक लगभग जो है चल गई है, तो
1670 किलोमीटर, तो 1670 किलोमीटर में एवरेज निकल रही 15 का, तो कंपनी जब सर्विस सेंटर गए होंगे तो बताया होगा कि एवरेज का कुछ इम्प्रूवमेंट होने का है कि नहीं है। अभी तो इम्प्रूवमेंट होगा बोला, सेकंड थर्ड सर्विस में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, अच्छा, अभी तो कम है फिलहाल। तो फर्स्ट सर्विस में कॉस्ट तो पड़ी नहीं होगी, लेबर चार्ज फ्री है, बाकी जो है कोई भी कुछ चेंज पड़ती है, कुछ चेंज होता नहीं है उसमें। तो हाईवे पे जैसे बात करते हैं तो हाईवे पे इसकी स्टेबिलिटी कैसी है चलने पे? स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब कि बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल रोड पकड़ के चलती है। तो इसको लेने का प्लान कैसे बना? जैसे आप नेक्सॉन लेने जा रहे थे, XMS वाला, वो उसमें सनरूफ आती है जी। तो उसको ना लेके उसमें थोड़ा सा इंजन आपको थोड़ा और पावरफुल मिल जाता, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाती और सनरूफ मिल जाती, तो उन सब चीज़ों का मतलब पावर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। पावर में कॉम्प्रोमाइज़ करना हमको कोई रेस्ट लगाने नहीं। हाँ, नहीं वो तो है, हमको सिटी में चलाना है, आराम से चलाना है, और इसलिए कर लिया। बाकी वो सब तो नहीं मिल रहा है, सनरूफ नहीं मिल रहा है, सनरूफ नहीं है, इसमें हमको ये मिल गया अपना स्क्रीन मिल गई, स्क्रीन मिल गई। इसका कैमरा कैसा है, जरा कैमरा दिखाइए जो है, बैक कैमरा इसको जो है, ये देखो ये जो है इसका कैमरा है, अल्ट्रॉस के मुकाबले अच्छा कैमरा इसमें दिया है, क्योंकि अल्ट्रॉस में थोड़ा सा मेरी वाली में हो सकता है, मेरी वाली में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि मेरी 1.5 साल पुरानी हो गई है लगभग, तो जो है मेरी वाली में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन इसमें जो है अच्छा है। बाकी गाइडलाइंस आती हैं सब, तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती मोड़ने में। तो अब बात करते हैं इसके एसी की, जैसे अभी इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और आप अभी राजस्थान जयपुर में ही थे, तो वहाँ पर तो हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में, तो जो है इसका एसी का कैसा रहा है? एसी बिल्कुल भयंकर गर्मी, 42-43 डिग्री टेम्परेचर में ये अगर अंदर बैठ के हम 5 मिनट भी चला देते हैं, बिल्कुल अंदर का माहौल बिल्कुल ठंडा कर देता है। अच्छा, पावरफुल एसी, कोई दिक्कत, पावरफुल एसी है, मतलब एसी के मामले में कोई दिक्कत? अच्छा, जो पीछे बैठते हैं तो पीछे वालों की कोई कंप्लेंट तो नहीं रहती एसी से रिलेटेड? कोई कंप्लेंट नहीं, हमारे तो बच्चे बैठते हैं थोड़ी देर बाद बोलते पापा बंद कर देना, अच्छा अच्छा ठंडी लग रही है, तो ये चीज़ है, मतलब एसी अच्छा है। और बाकी रियर एसी वेंट्स इसमें नहीं है, नहीं। लेकिन जो है कोई आपको कमी नहीं महसूस होगी, मतलब रियर एसी वेंट्स आपके ये निशान बने पैरों से, पैर से, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे आपको जो है ग्लो बॉक्स मिल जाता है, हमारा हाइट ज़्यादा है थोड़ा सा पैर पीछे कर ले, तो यहाँ पे आपको इतना ग्लो बॉक्स इसमें टाटा की गाड़ियों में ग्लो बॉक्स बहुत बड़ा मिलता है। और इसके सेगमेंट में जो का बात करें तो इग्निस भी आती है, तो मारुति जैसे ब्रांड पे नहीं गए, क्योंकि उसका इंजन आपको थोड़ा और अच्छा मिल जाता, 4 सिलेंडर मिल जाता पहली चीज़, दूसरी चीज़ मारुति की रिलायबिलिटी आपको मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं ध्यान में आई। नहीं, वो उसमें ध्यान में देने वाली नहीं, इसमें 5-स्टार रेटिंग सबसे पहले तो है, तो उसमें मेन चीज सेफ्टी थी, सेफ्टी हो गया वो, हाँ, तो हट गया। बाकी इग्निस इसके रेंज उस पर आती नहीं है, टक्कर में, इसके टक्कर में नहीं आती, इसके टक्कर में अगर साइज वाइज देखा जाए तो हुंडई की वेन्यू है, हुंडई की वेन्यू है, और काइगर है जो है। तो काइगर और उस समय वो भी लॉन्च हो गई थी, उस समय तो सब लॉन्च हो गई थी, मुझे सबसे अच्छा 5-स्टार रेटिंग चाहिए। अच्छा, थी अच्छा, अच्छा। अपना इंडिया का है तो इंडियन ब्रांड है थोड़ा सा, तो भाई आर्मी में है तो सीधा फंडा है इंडियन ब्रांड वो, तो क्योंकि आर्मी में ज़्यादातर टाटा के ही व्हीकल्स मिलते हैं, उसमें टाटा के ही व्हीकल्स ज़्यादातर होते हैं, तो जो है वो जो है इसलिए। तो अभी तक सर्विस से आपको कोई वो नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट सर्विस ही हुई है, तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर्विस एक्सपीरियंस मैं जयपुर में ही कराई होगी आपने? हमने कराई थी सर्विस, तो कुछ नहीं, बस आराम से गए, 2 घंटे में गाड़ी उन्होंने दे दी सब करके। अच्छा 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 अच्छा, तो ओवरऑल 10 जो अगर बात करें तो आप इसको कितना रेट करोगे? अभी 10 में से मैं 8 ही दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इसका ऑटोमेटिक में इन्होंने सुधार करना है, ऑटोमेटिक में, बाकी तो ओवरऑल हर चीज़ ठीक है, और बाकी ऑटोमेटिक में इनको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। ऑटोमेटिक भाई अल्ट्रॉस वाला दे दे यार, क्या कर रहा है, अल्ट्रॉस वाला दे दे तो जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर जो है पंच और अल्ट्रॉस तो सेल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अल्ट्रॉस को ऑटोमेटिक जो है सेल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने तो नेक्सॉन बुक करके, अच्छा, क्योंकि उसके मुकाबले इसमें क्रूज कंट्रोल दे रहा है, काफी क्रूज कंट्रोल है, और बाकी जो है आपको 6 स्पीकर्स मिल रहे हैं, 10.5 का पड़ रहा था मेरे को, अच्छा, ये 9 का पड़ गया, 1.5 लाख रुपए बच भी गया, अंतर हो गया,
पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा 1.5 लाख रुपए पेट्रोल में लग जाएगा। तो इसमें जो अगर प्रोज की बात करें, सबसे अच्छी चीज आपको इसमें क्या लगी? सबसे अच्छी तो क्रूज ही लगी ऑन हाईवे। अच्छा अच्छा, हाँ हाईवे पे अपना क्रूज कंट्रोल लगा के आराम से क्रूज कंट्रोल चला के लगा के चल सकते हो, लेकिन बस अब तो सोए ना आदमी नहीं वो तो है, वो तो हाथ का पैर का भी काम खत्म ही हो जाता है, अचानक से ब्रेक लगानी पड़ेगी बस, तो जो है वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे खराब चीज इसमें क्या लगी आपको? खराब तो इतना ज्यादा कुछ नहीं लगा है। अरे कुछ तो है भाई, कुछ कोई एक दो चीजें मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए इसमें जो नहीं है इस प्राइस पे, आप सोचिए फिर हम बताएं क्या चीजें वो। नहीं अब मेरे इतने दिमाग में तो नहीं है इस प्राइस में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफी कंपेयर करके देखा तो उस प्राइस के हिसाब से ठीक है, फिर भी आप बताइए तो हम बताएं। पहली चीज जो है ये चीज, ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, एडजस्ट आप कर सकते हो अंदर से, लेकिन जो है फोल्डेबल नहीं है। ये चीज जो है आपको एल्ट्रॉस में भी मिल जाती है और नेक्सॉन के उसमें भी मिल जाती है, तो जो है ये चीज देनी चाहिए। केवल एक ही कमी है इसमें, इस वेरिएंट में, जब इतना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं टॉप से जस्ट नीचे वाला वेरिएंट है, तो इसमें देना चाहिए ये चीज। प्लस हमने ऑटोमेटिकली तो इसमें कर ही देना चाहिए, इसमें तो कर देना चाहिए था, वो भी ऑटोमेटिक कर देते हैं। 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है ऑटोमेटिक, ये तो कर ही सकते। अच्छा, इसकी हेडलाइट का थ्रो रात में भी आपने चलाई है, तो रात में इसका हेडलाइट का थ्रो कैसा लगा? हैलोजन आता है, तो नॉर्मली मेरा इतना नाइट का जर्नी नहीं रहा, नाइट का जर्नी तो लोकल में रहा तो इतना पता नहीं चलता, हाईवे या ज्यादा दूरी तय करोगे हाईवे पे। अच्छा, पता अच्छा, चल पाता, लेकिन ठीक है, मतलब नाइट का ठीक है, नॉर्मल तो ठीक ही लग रहा। अच्छा, तो इसमें 5 लोग बिठाया है? हाँ, 5 लोग बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे थे। पीछे जो है मतलब जैसे क्योंकि अब हम लोगों की हाइट अच्छी खाती है, तो पीछे थोड़ा सा स्पेस कम है, लेग रूम कम मिलता है, वैसे जो अगर सीट आगे कर लें तो अच्छा खासा लेग रूम अच्छा मिल जाता है, तो 5 लोग कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, क्योंकि बीच में हम्प नहीं है, तो उसका भी जो है सबसे बड़ा फायदा है कि बीच में हम्प नहीं है, तो आपको जो है आराम से बीच वाला भी जो बन रहा है तो उसको पैर इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ जाएगा वहाँ पर। तो आउट ऑफ 10 आप 8 रेट करोगे, सर्विस सेंटर को आप कितना रेट करोगे? सर्विस सेंटर 10 ऑफ 10 है। 10 ऑफ 10, तो आप किसको रेकमेंड करते हो इसको लेने के लिए? मेरे ख्याल से सभी को लेना चाहिए, प्लस बाकी सेफ्टी, अभी नई गाड़ी है तो चेंजेस तो होते रहेंगे, वो तो है ना, कुछ तो होता रहेगा, तो हमारी तरफ से तो ठीक है। बस मैं तो जो रेटिंग कम दे रहा हूँ कि सिर्फ ऑटोमेटिक इसका सही होना चाहिए, केवल 2 नंबर कटे हैं भाई साहब ऑटोमेटिक के, और पिकअप क्रॉसिंग में थोड़ा सा, तो वही चीज है, वो ऑटोमेटिक के चक्कर में जो है वो जो है बस वही है, बाकी ऑटोमेटिक के चक्कर में रेटिंग खराब हो रही है भाई। टाटा जी क्या कर रहे हो, इसको जो है चेंज करो। एल्ट्रॉस का बहुत अच्छा है, मतलब चलाया नहीं है हमने, लेकिन जो है जितने भी रिव्यूज देखे हमने, तो वो तो उस हिसाब से जो है आ गया ना उसका तो, हाँ उसका जो है मतलब जितने रिव्यूज देखे हैं जिन लोगों ने चलाई है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो उन्होंने जो है चला के बढ़िया अच्छे से उसका DCT जो है डिफाइन किया है, तो जो है बहुत अच्छा, मतलब गियर शिफ्टिंग पता ही नहीं चलेगी उसमें। तो चलो, तो यही था आज का वीडियो। अच्छा, ये लॉकिंग वाला जो है इसका, ये थोड़ा गड़बड़ लगा कि नहीं? हाँ, ये गड़बड़ लगा है, क्योंकि अभी बंद करते हैं तो अभी हाँ, ये करेंगे तभी ये सब, और हाँ, इसका जो है एक चीज और है, वो लॉक भी हो तो भी ये खुल जाएगा। हाँ, तो ये चीज जो है नहीं, ये तो खुल जाएगा लेकिन बैक नहीं खुलता है, वो तो चाइल्ड लॉक लगा रखा होगा ना, कुछ है वो चाइल्ड लॉक लगा रखा होगा, तो चाइल्ड लॉक लगा देंगे तो जो है वो चीज है। बाकी थर्ड आपने सुन ही लिया होगा कि 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है, तो कोई इसके आसपास भी नहीं भटक सकता है, टाटा की सेफ्टी रेटिंग में कोई भटक नहीं सकता आसपास। तो जो अगर आप सेफ गाड़ी लेना चाहते हैं, मेरा सीधा मकसद है सेफ गाड़ी लीजिए, तो सेफ गाड़ी में टाटा की गाड़ी है, महिंद्रा की हैं, और जिनकी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग हो चुकी है तो वो आप लीजिए। अब जो अगर आपको सिटी में ही चलना है तो फिर आप कोई भी गाड़ी लो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिटी में कोई भगाया वगैरह है नहीं, लेकिन मेन चीज़ होती है हाईवे पे चलने की, और हाईवे पे कोई ज़रूरी नहीं है आपकी गलती हो, सामने वाले की गलती की वजह से भी आपका नुकसान हो सकता है, तो उस जगह पे आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काम आएगी, ना कि उसके सेफ्टी फीचर्स काम आएंगे। तो इसलिए जो है मजबूत गाड़ी लीजिए और इंडियन ब्रांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि जब आपको ये इतने कम प्राइस में अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यही गाड़ी प्रेफर करिए लेने के लिए। तो
धन्यवाद ज्ञानिन भैया आपका अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से बहुत लोगों के डिसीजन जो है क्लियर हो गए होंगे कि क्यों ये गाड़ी इसके प्राइस में जो है बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। ड्राइव सेफ।